वाओ वेरी डेंजरस। जय श्री राम दोस्तों। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा जो अपने पास प्रेशर वाली ग्रीस करना है उसको कैसे सेट करना है, कैसे उसके अंदर ग्रीस डालना है, कितना ग्रीस डालना है और कैसे उसको अपन सेट कर सकते हैं, पूरी जानकारी दिखाऊंगा और ग्रीस करने भी दिखाऊंगा। तो अभी जो ये बाल्टी है दोस्तों, इसके अंदर से जब मैं काला वाला ग्रीस निकाल रहा हूँ, ये ग्रीस काला नहीं है, ये रेड जेल ग्रीस है और इसके अंदर मैंने ऑयल मिलाया है लगभग 2 लीटर। दोस्तों ग्रीस का कलर ये लाल लाल है, ये देखिए इसका कलर क्या है, रेड है, ठीक है, लाल कलर का है ये। और इसके अंदर मैंने लगभग इसे 2 से 2.5 लीटर इसके अंदर ऑयल मिलाया है। इससे एक फ़ायदा होगा कि ये जो पिनों के अंदर ग्रीस है आसानी से आएगा। तो ये ग्रीस देख लीजिए कितना बढ़िया बन गया अबे ऑयल मिलाने के बाद। और ये दोस्तों एकदम नई बाल्टी है, नई बाल्टी के अंदर दोस्तों मैंने ग्रीस मिलाया था। तो अभी जो ये रिशे देखिए, ये टायर साफ कर रहा है और ये मैंने धो दिया था। तो अब इसके अंदर ले जाकर बाल्टी रखेंगे ग्रीस वाली, तो इसको अंदर ले चलते हैं। तो अब इसके अंदर दोस्तों आपको सीधे ये ग्रीस की बाल्टी रख देनी है, ऐसे रख देनी है ग्रीस की बाल्टी। तो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये सिर्फ खाली होता है, खाली डब्बा होता है। और ये पंप है इसका, इस पंप को अपने को सीधा ही रख देना है इसके अंदर। तो ये देखिए इस पंप को क्या है, अपने को सीधा रख के, और इसके 3 क्या है लॉक लगे होते हैं, जैसे अपने गाड़ियों के फिल्टर नहीं खोलते प्राइमा गाड़ी के, उसके 3 लॉक लगे होते हैं, वैसे इसके लगे होते हैं 3 लॉक। तो उन 3 लॉक को बढ़िया तरीके से लगा देंगे। तो अभी इसको क्या है लगा दिया पंप को और बढ़िया दाब दे के दोस्तों लगा देना है। और इस ग्रीस गन की दोस्तों सबसे खास बात मेरे को ये लगी कि इसके अंदर अपने को ग्रीस हाथ से नहीं डालना पड़ता, पूरी की पूरी बाल्टी डल जाती है और क्या हाथ उत गंदे नहीं होते। तो दोस्तों अब अपन ने वो बाल्टी डाल ली, अब इसकी क्या पाइप लगाएंगे अपन। तो ये पाइप है इसकी, ये 15 फुट की पाइप है, मैं पहले तो छोटी थी पाइप है, वो ख़राब हो गई थी, अब मैं नई पाइप बनवा के लाया हूँ। तो ये 15 फुट की पाइप है और अब इसको क्या है कि इसको सेट कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से टाइट कर लेते हैं। 17 नंबर चाबी से दोस्तों ये टाइट होगी। और ये दोस्त की इसकी गन, और गन क्या है कि इसको टाइट कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो गन दोस्तों इसकी क्या है कि आप जब भी इसका ट्रिगर दबाओगे तभी क्या है ग्रीस निकलेगा आगे, ऐसा सिस्टम होता है इस गन के अंदर। और एक और भी है दोस्तों इस गन के अंदर कि ये 2 जगह से मुड़ती रहती है, आपको क्या है जहाँ भी कोई गाड़ी के नीचे आप घुस के ग्रीस करोगे तो आपको क्या दिक्कत नहीं आएगी, कई बार क्या है पाइप घूमती नहीं है और तो उस चीज़ का इस गन के अंदर ध्यान रखा हुआ है। तो बहुत बढ़िया गन है दोस्तों ये, तो मेरे को तो अभी तक बढ़िया लगी है ग्रीस गन। कोई भी पिन है जाम पिन उसको खोल देती है। प्रेशर वाली गन का दोस्तों यही फ़ायदा है कि 2 मिनट में आप ग्रीस कर देते हो, जल्दी से ग्रीस हो जाता है, साथ में क्या है जाम पिन को भी खोल देती है। तो अब इसका ये अपन ने वॉल सेट कर रखा था वहाँ पे, और ये क्या है ये पाइप है इसकी, तो इसको क्या है लगा देते हैं। और इसके ऊपर मैंने 2 क्लप लगाए हैं, इनको बढ़िया तरीके से टाइट कर देते हैं, जिनसे क्या है कि इसकी वॉल लीकेज नहीं करेगी। तो इनको बढ़िया तरीके से टाइट कर देते हैं। तो ये जो दोस्तों पाइप के पास में जो दोस्तों आपको मीटर सा दिख रहा है, ये इसका हवा का क्या है सेट करने का मीटर है, ठीक है, एयर कंट्रोलर है। तो दोस्तों अपन ने इसके अंदर हवा खोल दिया, तो अब ये क्या है कि जब तक जो पाइप है काली वाली ग्रीस वाली, तो जब तक ये पाइप भरेगी नहीं तब तक क्या है ये पंप चलता रहेगा। और एक बार ये पाइप भरने के बाद ये पंप क्या अपने आप खुद ब खुद बंद हो जाएगा, और बाद में जब जब आप ग्रीस करोगे तभी ये पंप चलेगा। तो इस कंट्रोलर से दोस्तों आप हवा कम और ज़्यादा कर सकते हो, जिससे हवा का दाब नहीं, हवा का नहीं दोस्तों ग्रीस का दाब भी बढ़ता है दोस्तों इससे। जैसे जैसे आप इससे दाब बढ़ाओगे उससे वैसे वैसे क्या है कि आपका ग्रीस का भी क्या दाब बढ़ेगा। और पीछे से आप दोस्तों टंकी के जो बाल होता है वहाँ से आप पूरी हवा खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कंट्रोल अपने आप हवा कर लेगा कंट्रोल है। तो दोस्तों 15,000 की ग्रीस का टेस्ट करने के लिए मैं 13 लाख की पिकअप लाया हूँ, नहीं अभी निकलवा के लाया हूँ। ये देखिए दोस्तों अब इसकी ग्रीस में टेस्ट करेंगे। तो अभी अपन इसके क्या है आगे डॉक्टर लगा लेते हैं जो पिन में लॉक होता है। तो अभी आपको पिन में ग्रीस निकाल के दिखाता हूँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों। तो ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहूँगा इस चैनल पर। तो ये देखिए दोस्तों आपको दिखाता हूँ ग्रीस कितना निकला है और कैसे ये ग्रीस करती है दोस्तों। ये देखिए ट्रिगर दबाना है बस, और ये देखिए कैसे ग्रीस आ रहा है पिन के अंदर से। आपको एक पिन और के अंदर भी ग्रीस करके दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए दोस्तों इस पिन के भी अंदर भी आपको पिन ग्रीस करके दिखाऊंगा। तो ये दोस्तों ये पिन थोड़ी बहुत जामती ग्रीस हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।